अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैनरी टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये सेट है एलजी का। तो ऑलरेडी मैं इसकी एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं कि इसके साउंड में जो प्रॉब्लम आता है वो कैसे आता है और इसको किस तरह दूर किया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो इसमें फॉल्ट है इसके साउंड का, इसकी आवाज़ नहीं आ रही। तो ये इसका साउंड आईसी है, आवाज़ का आईसी है। जब मैं इसको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये इसका साउंड आईसी लगा हुआ है, ठीक। तो इसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट, अक्सर फॉल्ट आ जाता है कि इसमें जो इसकी साउंड जो है वो नहीं बनती, समटाइम ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ देखने वाली होती है, इसकी सप्लाई देखनी पड़ती है। यहाँ पे 18 से 20 वोल्ट आते हैं, 15-18-20 वोल्ट, ये कैपेसिटर लगा होता है, इस पर 18-15-20 वोल्ट आने चाहिए, 18 के लगभग वोल्ट। तो ये होते हैं, यहाँ से आउट होते हैं, ये पिन नंबर 2 पे के ऊपर, ठीक है, यहाँ से ये वोल्ट आते हैं। तो ये जा रहे हैं यहाँ से वोल्ट इसके इस कैपेसिटर के ऊपर। सबसे पहले इसकी आईसी की सप्लाई चेक करनी है, अगर सप्लाई ओके है तो फिर देख रहे हैं कि क्या इसका आईसी ख़राब तो नहीं है। इसके पिन नंबर 3 के ऊपर, आईसी की पिन नंबर 3 के ऊपर हमें वोल्ट मिलने चाहिए, 4 point कुछ वोल्ट होते हैं, यानी कि 4.8-4.9 वोल्ट मिलने चाहिए, ठीक है। तो पिन नंबर 2 के ऊपर जब यहाँ पे वोल्ट मिलेंगे तो आप इसको स्पीकर लगा के, आप इसके ऊपर जब हाथ लगाएंगे, थोड़ा सा टच करेंगे तो आपको कुछ साउंड की आवाज़ आएगी। अगर साउंड की आवाज़ आए तो आपका आईसी जो है वो बिल्कुल ओके है, यानी कि साउंड आईसी बिल्कुल ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रह जाता है यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन होता है, ट्रांजिस्टर लगे हैं जो कि म्यूट कर देते हैं इसको, अब वो भी चेक करने पड़ते हैं। अगर वो भी ठीक हैं तो एक आईसी लगा होता है, ये आईसी आप देख सकते हैं, तो 1116N इसका नंबर है। तो इसमें भी फॉल्ट आ जाता है, तो इसको किस तरह ठीक किया जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी पिन नंबर 5 यहाँ से गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5 पांच नंबर पिन को आपने टच करना है पिन नंबर 3 के साथ, यहाँ पे 3 के साथ, 3 को 5 के साथ आपने मिला देना है, इसी तरह 3 को 5 के साथ आपने मिला देना है दोनों तरफ से। जब आप मिला देंगे तो आपकी आवाज़ आ जाएगी, मगर फ़र्ज करें नहीं आपकी आवाज़ आपको मिलाने से ही है, तो आप ऐसा करें, आप पिन नंबर 2 को यहाँ से, पिन नंबर 2 को, ये जो पिन नंबर 2 है इसको आप पिन नंबर 5 के साथ अटैच कर दें तो आपकी आवाज़ आ जाएगी। फ़र्ज करें अगर ये भी आपने आजमा लिया, ये भी आवाज़ नहीं आ रही, एक ऑप्शन हो रहा था, या तो फिर इसको एंड में ये आईसी भी आई, इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें इन सारे सेट को बंद ही रहने दें, इसको खोले बगैर भी एक ऑप्शन है इसकी आवाज़ को बहाल करने का, वो कैसे है। सबसे पहले आप इसका मेन्यू ओपन करें, सॉरी इसका जो फैक्ट्री सेटिंग है इसकी वो ओपन करें, एलजी की फैक्ट्री सेटिंग कैसे ओपन होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें इसका बोर्ड लगाता हूँ, बोर्ड लगाने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें 2 बटन प्रेस करने पड़ते हैं इकट्ठे, ये मेन्यू का बटन है, ये आप देख सकते हैं, ये मेन्यू का पहला बटन मेन्यू का है, तो मेन्यू को प्रेस करना है, तो साथ में रिमोट से मेन्यू को प्रेस करना है, यानी कि दोनों मेन्यू इकट्ठे प्रेस करेंगे तो इसकी फैक्ट्री सेटिंग ओपन हो जाएगी। इसकी फैक्ट्री ओपन होगी, तो फैक्ट्री ओपन होने के बाद इसमें एक ऑप्शन आता है साउंड का, वहाँ से चेंज करेंगे तो आवाज़ आ जाएगी, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो जी आप देख सकते हैं सेटिस्फाइड ऑन है, तो ये इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं तकरीबन 40-50 के लगभग चला गया, ठीक है, लेकिन इसकी आवाज़ अभी नहीं, आवाज़ नहीं, साउंड नहीं बन रहा। तो इसमें मैंने लगा दिया, इसका जैक भी लगा हुआ है स्पीकर का, ये आप देख सकते हैं स्पीकर का जैक लगा हुआ है, ठीक है, इसकी आवाज़ नहीं आ रही। तो इसकी आवाज़ कैसे आएगी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, इसका मेन्यू ओपन, इसकी फैक्ट्री सेटिंग जो है वो ओपन कर, तो आपने प्रेस करने हैं दोनों बटन, ये रिमोट से मेन्यू का बटन और ये की से मेन्यू को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये आपका जो फैक्ट्री सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी, ये देख सकते हैं ओपन हो, ठीक है, ये इस तरह फैक्ट्री सेटिंग आपने ओपन करनी है। फैक्ट्री सेटिंग ओपन करने के बाद आपको अगर इसको चेंज करना है, यहाँ पे ऑडियो का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा आपको,
यहाँ पे साउंड का कोई ऑप्शन नहीं, तो आपने करना क्या, आपने रिमोट से मेन्यू का बटन प्रेस करना है। ये मेन्यू को प्रेस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आप प्रेस करना सिस्टम और साउंड मोड। नीचे जब आएंगे दूसरे नंबर पे तो साउंड मोड यहाँ पे लिखा हुआ है मोनो, तो आपने इसको चेंज कर देना है। जब इसको ये स्टूडियो कर दिया आप सुन सकते हैं, मेरी आवाज़ इसकी बिल्कुल ओके हो चुकी है, ठीक है। तो आप इस तरह करना है कि इसका जो वॉल्यूम है, Lovely, and safe hands from the production.